हेलो स्टूडेंट्स, अभी फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स में आज हम आपको ओलिगोपॉली यानी कि अल्पाधिकार के बारे में बताएंगे। इसका सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ओलिगोपॉली यानी कि अल्पाधिकार की अवधारणा। इसमें सुनिए, द टर्म ओलिगोपॉली इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स ओलिजोस मीनिंग अ फ्यू एंड पॉलिन मीनिंग टू सेल। ओलिगोपॉली इज दैट फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन वेयर देयर आर अ फ्यू फर्म्स इन द मार्केट प्रोड्यूसिंग आइदर अ होमोजीनियस प्रोडक्ट और प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स which are close but no perfect substitutes of each other. Oligopoly is said to exist where there are few firms of sellers in the market producing or selling a product. Oligopoly differs from monopoly where there is only one seller and from perfect and monopolistic competition where there are many sellers. Oligopoly is also sometimes referred to as limited competition, incomplete monopoly, multiple monopoly, etc. Present day economists define oligopoly in terms of what is technically called the concentration ratio. The concentration ratio represents the combined share in the aggregate market sales that is controlled by the four largest firms in the market. Let us suppose the market shares of the four largest firms A, B, C and D, मतलब चार largest firms हैं A, B, C, D, in the steel industry are 45, 25, 10 and 5% respectively. मतलब A का 45%, B का 25%, C का 10% और D का 5%. The four firm concentration ratio in the case then is 85%. The remaining 15% is controlled by the smaller competing firms. If the concentration ratio is zero, the market is referred to as a purely competitive market. The concentration ratio can vary between 0 and 100% when there are four or fewer firms. Several of the present day markets in capitalist countries are oligopolist. The prices and outputs of several important products such as steel, aluminium, automobiles, tires, heavy electrical equipments, etc. are determined by a few firms in each of the industries that produce them. Oligopoly, in fact, seems to be a characteristic of industries where modern methods of production are applicable. इसे हिंदी में सुनिए, अल्पाधिकार की अवधारणा। ओलिगोपॉली शब्द ग्रीक भाषा के ओलिगोई, जिसका अर्थ थोड़े यानी कि ए फ्यू, तथा पॉलिन जिसका अर्थ बेचना, जो हम बेचते हैं माल वगैरह बेचते हैं तो उसको बेचना, टू सेल है, दो शब्दों से मिलाकर बनाया गया है। मतलब ओलिगोपॉली दो शब्दों से मिलकर बनाया है, एक ओलिगोई और एक पॉलिन। इस प्रकार
अल्पाधिकार का अर्थ है थोड़े से विक्रेताओं में प्रतियोगिता, मतलब कंपटीशन, कुछ सेलर्स में कंपटीशन। अल्पाधिकार उस समय उत्पन्न होता है जबकि थोड़े से विक्रेता होते हैं, मतलब ज्यादा नहीं होते हैं। अल्पाधिकार अथवा थोड़े से विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता यानी कंपटीशन तब होगा जब उद्योग के समरूप वस्तु का उत्पादन करने वाली अथवा उनके समीप स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्मों की अल्पसंख्या, मतलब कम संख्या होती है। अतः अल्पाधिकारी बाजार की वह स्थिति है जिसमें अधिक विक्रेताओं का अस्तित्व पाया जाता है परंतु उनकी संख्या उतनी बड़ी नहीं होती, मतलब ज्यादा नहीं होती जितनी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पाई जाती है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत पाई जाती है। चूंकि अल्पाधिकार में फर्मों या विक्रेताओं की संख्या बहुत सीमित होती है, इसलिए प्रत्येक फर्म में किसी निर्णय का उसके प्रतिद्वंदियों पर तो प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही इसके प्रतिद्वंदियों द्वारा लिए गए निर्णयों का भी इस फर्म पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। अतः ओलिगोपोली में विद्वान सभी विक्रेता यानी कि सभी सेलर्स इस परस्पर निर्भरता का अनुभव करते हैं एवं उसके अनुरूप ही कीमत एवं उत्पादन संबंधी निर्णय लेते हैं। यही कारण है कि अल्पाधिकार स्थिति को अर्थशास्त्रियों ने परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस की संज्ञा दी है। इसी प्रकार अल्पाधिकार को कई बार कुछ में प्रतियोगिता यानी कि कॉम्पिटिशंस अमोंग द फ्यू भी कहा जाता है। इस प्रकार रासायनिक उर्वरक, मशीनरी, कागज, डिटर्जेंट आदि वस्तुओं में भी अल्पाधिकार की दशाएं पाई जाती हैं। योजना काल में देश में जो विलासिता, अर्धविलासिता व आराम की उपभोग्य वस्तुएं बनने लगी हैं उनमें अधिकतर अल्पाधिकार बाजार से ही संबंध है। इसमें विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। मेयर्स ने कहा है अल्पाधिकार बाजार की उस अवस्था को कहते हैं, मतलब ओलिगोपोली उस अवस्था को कहते हैं जहां विक्रेताओं की संख्या यानी जहां सेलर्स की संख्या, नंबर ऑफ सेलर्स इतनी कम होती है कि प्रत्येक विक्रेता का यानी प्रत्येक सेलर का बाजार की कीमत पर प्रभाव पड़ता है तथा प्रत्येक विक्रेता इस बात को जानता है। फिर आता श्रीमती जॉन रॉबिन्सन कहती हैं यह एकाधिकार व प्रतियोगिता की मध्यवर्ती स्थिति है जिसमें विक्रेताओं की संख्या यानी नंबर ऑफ सेलर्स एक से अधिक होती है परंतु इतनी बड़ी नहीं कि बाजार कीमत पर किसी एक के प्रभाव को नगण्य बना दे। अब आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली यानी कि अल्पाधिकार की विशेषताएं। इसकी कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट है फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स यानी कि विक्रेताओं की अल्पसंख्या, मतलब ओलिगोपोली इज क्लासिफाइड एज परफेक्ट ओलिगोपोली एंड इम्परफेक्ट ओलिगोपोली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ओलिगोपोली इज परफेक्ट और प्योर इफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्पिटिटिव फर्म्स ऑफ होमोजीनियस और आइडेंटिकल। ऑन द अदर हैंड ओलिगोपोली इज इम्परफेक्ट और डिफरेंटिनेटेड व्हेन द फर्म्स प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स विच आर क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। ओलिगोपोली आर मोस्टली डिफरेंटिनेटेड दो प्योर ओलिगोपोलिस्ट आर नॉट अनकॉमन।
मतलब इसमें अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। थोड़े विक्रेता होने पर प्रत्येक विक्रेता का पूर्ति के एक बड़े भाग पर नियंत्रण रहता है। अब सेकंड आता है इंटरडिपेंडेंस, यानी कि परस्पर निर्भरता। अल्पाधिकार की एक मुख्य विशेषता उद्योग की कुछ फर्मों द्वारा निर्णय करने में पारस्परिक निर्भरता है। इसका कारण यह है कि जब प्रतिद्वंदियों की संख्या कम होती है तो एक फर्म द्वारा किए गए वस्तु की कीमत व उत्पादन संबंधी परिवर्तनों का मतलब चेंजेस का प्रत्यक्ष प्रभाव प्रतिद्वंदियों के लाभों पर पड़ता है, जो प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी कीमतों अपने प्राइसों मतलब उत्पादन में जैसी भी आवश्यकता होती है परिवर्तन करते हैं। इस प्रकार एक अल्पाधिकारी उद्योग में जब कोई फर्म कीमत में कमी करती है, अपनी वस्तु का नया मॉडल प्रस्तुत करती है अथवा विज्ञापन कार्यक्रम तेजी से शुरू करती है, तो जो यानी जो एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम होता है वो तेजी से शुरू करती है, तो निश्चय ही इसकी प्रतिद्वंदी फर्में भी बदले में इसी प्रकार की क्रियाएं करती हैं। अब थर्ड आता है डिफरेंटियल प्रोडक्ट, यानी कि भेदित वस्तु। इसमें लगभग समरूप वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, मतलब अलग अलग या भेदित वस्तुओं का भी, मतलब एक जैसी का भी कर सकते हैं या अलग अलग वस्तु का भी। नंबर फोर्थ आता है डिफिकल्ट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ न्यू फर्म्स, मतलब नई फर्मों का कठिन प्रवेश तथा बहिर्गमन। इसमें अल्पाधिकारी उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश कठिन होता है। उसका कारण यह है कि आरंभ से ही नई फर्म को स्थापित करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। नंबर फिफ्थ आता है अनसर्टेनिटी ऑफ द डिमांड कर्व, मांग वक्र की अनिश्चितता। अल्पाधिकार में फर्मों के बड़े पैमाने पर परंपरा वलवन होने के कारण कोई भी फर्म अपने कीमत व उत्पादन नीति के संभावित परिणामों का निश्चितता से पूर्वावलोकन नहीं कर सकती। अब नंबर सिक्स आता है एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटीज, विज्ञापन की क्रियाएं। अल्पाधिकार में विक्रेताओं द्वारा विज्ञापन तथा विक्रय प्रसार की क्रियाओं पर बहुत अधिक व्यय किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।